नमस्कार दोस्तों, टेक्टोनिक्स हिंदी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस गो मैकेनिक का जो वैक्यूम क्लीनर है, कार वैक्यूम क्लीनर, इसका अनबॉक्सिंग के बाद एक डेमो वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो वो दिन आ गया है और इंतजार घड़ी ख़त्म हो चुकी है और ये हम ले आए हैं अपने कार के पास और इसमें हम इसको आपको डेमो करके दिखाएंगे किस तरह से ये हमारा जो डर्ट है उसको कैसे सक करता है और कितने पावर्स करता है, सब आपको एक्सपीरियंस कराएंगे अब इस डेमो में। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये कैरी बैग दिया है कंपनी ने, इसके साथ बहुत अच्छे से इसके एसेसरीज़ को आप कैरी कर सकते हैं। इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा वैक्यूम क्लीनर, उसके फिटिंग्स, सारे चीज़। तो इससे इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार को खोल लेते हैं। कार को खोल लिया, ठीक है। इसको जो है प्रॉपरली सीट पर हम रख देते हैं। गंदगी दिखाई, ये देखिए गंदगी हमारी गंदगी भी रेडी है हमारी, है ना। गंदगी हम रेडी करके रखे हैं क्योंकि वैक्यूम क्लीनर है तो गाड़ी गंदी होनी नहीं चाहिए। तो जो भी है ये कोने कोने का भी निकालेंगे और इसको भी हम साफ़ करके आपको इसका सक्शन पावर दिखाएंगे। सबसे पहला जो हमारा रूल है कि कभी भी बिना गाड़ी को स्टार्ट किए इसे इस्तेमाल ना करें। कोई भी पावर डिवाइस है, हाई पावर डिवाइस, तो उससे क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज होता है काफ़ी। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गई गाड़ी हमारी स्टार्ट। अब चलिए, ये हमने बैग को खोला और इससे वैक्यूम क्लीनर निकाल लिया है। ये इसका केबल है, ये इसकी फिटिंग है जो आउटलेट में हमारी लगेगी, 12 वोल्ट के आउटलेट में। ये इसके साथ काफ़ी और फिटिंग्स है जो अनबॉक्सिंग वीडियो आपको आई लिंक पे वहाँ पे ऊपर में दिख जाएगा, है ना, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने अच्छे से उसमें डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है अनबॉक्सिंग में ही। तो इस पर नहीं जाते हैं, इसका हम अपने चीज़ों पर कंसंट्रेट करते हैं कि हमें डेमो दिखाना है। चलिए डेमो दिखाते हैं। इसको हम अनवाइंड करते हैं, इसको रख देते हैं केबल को। ये काफ़ी 4.5 मीटर का केबल है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ से लेके डिक्की तक आराम से चली जाएगी आपकी। तो हमारा जो पोर्ट है ना, वो पोर्ट हमारा देखिए यहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का ये आउटलेट दिया हुआ है। इसको जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करके इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करते ही देखिए हमारा इसमें LED ऑन हो गई है, 3 LED है, तीनों ऑन हो गई है। इसका मतलब पावर इस डिवाइस में आ चुका है। अब बस जो बचा है वो है सफाई करना। तो चलिए अब हम सफाई करके दिखाते हैं। तो चलिए अब ये देखिए, ये इसका जो सक्शन नोज़ है देखिए यहाँ पर है, तो इस सक्शन नोज़ से ये सक करेगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सक करके दिखाते हैं कि डायरेक्टली क्या सक कर रहा है ये। तो ये जस्ट ऐसे प्रेस किया, देखिए बड़े आराम से इसने यहाँ वाला जो हिस्सा था, बड़े आराम से देखिए यहाँ पर अपने अंदर ले लिया है, ठीक है। अब हम इसका एक फिटिंग का भी टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये लॉन्ग नोज़ है इसका, लॉन्ग नोज़ फिटिंग है। इसको हम आगे यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा टाइटली फिट कर देंगे। ये क्या होता है ना, रिमोट एरियाज़ में ये जो कोने कोने होते हैं ना, उसमें ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। जैसे कि इसका हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज़ ये देखिए यहाँ पर है, ये गंदगी है, ये यहाँ पर, ये देखिए, ये इसको ये सक कराते हैं। देखिए हो गया साफ बहुत ही आराम से, सारे डस्ट इन्होंने अपने अंदर ले लिए हैं। और ये भी है यहाँ पे, थोड़ा सा ये सीट को इधर उधर करना पड़ेगा। खैर हम इधर करके देखते हैं थोड़ा और इस एरिया में। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे इस एरिया को साफ़ करते हैं। ये ऑन किया, देखिए सारे सक हो गया। ये देखिए कैसे घिसता है, देखिए ये ले गया गायब, ये गायब, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गायब गायब, ठीक है। तो ये फिटिंग का देख लिया आपने कि ये पतला सा है तो कहीं भी अंदर चला जाएगा और बड़ा बढ़िया ये साफ़ कर देगा। अब तीसरा फिटिंग जो है ना, वो ये ब्रश फिटिंग है। इसका होता है जो जमी हुई गंदगी होती है ना, जो अपने आप ढीली नहीं है, जो थोड़ी जम चुकी है, तो उस गंदगी में थोड़ा सा ब्रशिंग इफेक्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो इससे हम हल्का हल्का ब्रश करेंगे। ये ब्रश जो है जिद्दी मैल को जो है इस तरह से उखाड़ेगी और जैसे ही वो सतह को छोड़ेगा वो सीधे इसके द्वारा सको के अंदर चला जाएगा। तो उसमें आता है ये ब्रश का काम। तो ये ऐसे करके लगा दिया हमने इसको। अब बाकी जो है ये हम कोशिश करते हैं इस ब्रश से उठा लें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये साफ करता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। धागा हो, मिट्टी हो,
कण हो, कोई भी कण हो, बालू का, इसका सबको ये आराम से साफ कर रहा है। ये देखिए हो गई हमारी गाड़ी साफ, ठीक है, कितना क्लीन हो गया देखिए, बड़े ही कम एफर्ट में और बढ़िया काम। कपड़े भिंगा भिंगा के वो धूल मिट्टी निकालने का तरीका, वो ट्रेडिशनल तरीका है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है और थोड़ा सा मेहनत भी इसमें ज़्यादा लगता है। क्या आप अपने से गाड़ी साफ़ करना भूल जाएंगे? यदि ये सब डिवाइस आपके साथ में है तो आपको अपनी गाड़ी सफाई करने में बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद ये भी है, इसमें क्या है कि ये इसके फिटिंग को, इसके जो रीच है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, एक्सटेंशन समझिए इसको, एक्सटेंशन पाइप है। ये दोनों इसमें लग जाएंगे, ये इधर से, एक इधर से लग गया और एक इधर से लग गया, है ना, आराम से ये एडजस्ट हो गया। ये वाला जो चौड़ा वाला साइड है और एक कम चौड़ा है, चौड़े वाले साइड को हम उसमें इंसर्ट करेंगे, इतना तो ये अंदर चला जाएगा, इतना बाहर रहेगा। और इस वाले साइड से हम जहाँ गंदगी ज़्यादा है वहाँ पर इसका जो ब्रॉड जो माउथ है ना, इसका यूज़ होता है। इस तरह से ऐसे करके रखिए, इस तरह से आराम से ये ढेर सारी गंदगी एक ही साथ वो अंदर खींच लेगा। तो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है। तो ये इसके लिए हो गया। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, आइए अब यहीं पे हम लोग इसको खोलते हैं। ये देखिए खोलने के लिए क्या है, अब गंदगी साफ़ भी करनी है क्योंकि सारी गंदगी तो हमारी गाड़ी से निकल के इसमें आ चुकी है। तो इसको बटन को दबाना है, ये ऑन है। चलिए सबसे पहला सीख कि हमें पहले बैटरी को, क्योंकि धूप है इसमें पता नहीं चल पा रहा है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। ऑन स्थिति में कभी मत करिएगा, है ना। ये वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं काट भी सकता था, काट नहीं रहा हूँ ताकि ये हो गाड़ी को। चलिए कर देते हैं बंद, अब हो गया सेफ्टी। कभी सेफ्टी की बात आई तो उससे भी हमें दिखाना चाहिए ताकि ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, तो आगे आपको ध्यान रहेगा, इस चीज़ दिमाग में बैठेगा बात। अब देखिए अब ये पावर ऑफ हो गया, बेस्ट तरीका यही है, पावर से डिस्कनेक्ट करिए, ये बटन दबाइए, हल्का सा ऐसे करिए, ये दो पार्ट में आ गया, ये पार्ट तो मोटर वाला हो गया, है ना, इससे हमें कुछ नहीं करना है। इसको देते हैं हम रख, है ना। अब इस पार्ट को क्या करना है, इस पार्ट को देखिए ये ऊपर है ना, ऐसे उंगली रख के हल्का सा ऐसे खींच लीजिए, देख रहे हैं, ये देखिए इतनी सारी गंदगी जो है, जो गाड़ी में पहले अपना जगह ली हुई थी वो आ गई है इसके मुंह में, है ना। इसको देते हैं हम छार, ओके। अब चाहे तो इसको आप कपड़े से, कपड़ा रख सकते हैं, कपड़े से इसको वाइप करके, मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसे साफ़ ही करना है, इसको भी साफ़ रखना है हमें, तो इसको कपड़े से साफ़ करके हम ये कर सकते हैं। अब ये है इसका हेपा फिल्टर, हेपा फिल्टर बहुत बढ़िया फिल्टर होता है, ये एयर प्यूरीफायर में आता है, वही फिल्टर का यूज़ हुआ है इसमें, है ना। और ये वेट एंड ड्राई दोनों है, मैं तो ड्राई करके दिखाया हूँ, वेट भी किसी वीडियो में दिखाऊँगा, है ना। तो इस तरह से इसको आप हल्का सा ऐसे झाड़ सकते हैं, फूक लगा सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, इसी का एक जो है अपना जो इसका फिटिंग है, इसका इस्तेमाल करिए, ये ले लीजिए ब्रश, है ना, इस ब्रश की मदद से इसको आप ऐसे देखिए। दांत खाने के होते हैं लेकिन दांत का भी सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो दांत ही नहीं बचेंगे तो खाएंगे किससे, तो वैक्यूम क्लीनर ही नहीं बचेगा तो फिर गाड़ी साफ कैसे होगा। तो इसका भी टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसी रिसोर्स में आपको उसको साफ़ करना है। ये ब्रश इसमें भी काम आ जाता है, और एक फूंक मार दीजिए, हो गई साफ, है ना। तो अब इसको वापस असेंबली करते हैं, डिसअसेंबली कर दिया हमने, अब इसको असेंबली करते हैं। ये लिया, ये देखिए ये कर्व जो है ना, कर्व ये इससे मैच कराना है, कर्व मैच हो गया, ठीक है। अब ये जो है इसको लिया, पहले ऐसे नीचे बॉटम में लगाया फिर ऊपर की तरफ टॉगल कर दिया, ये हो गया हमारा हैंडहेल्ड। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही लो नॉइज़ है, जैसा कि कहा गया था कंपनी के द्वारा, सही में बात सच है, बहुत कम नॉइज़ लेता है, बहुत ही इफेक्टिव है, 6000 पास्कल का इसका प्रेशर है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइएगा, आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएगी। और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इसका बाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे बाय करिएगा, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगी। और होप आपका दिन अच्छा गुजरे, तब तक के लिए इस वीडियो को आप बंद करते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।